बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स, मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, हमारी दुआ है कि आप नुसरबाजों से भी बच के रहें। नाज़रीन पाकिस्तान में एक और बड़ा फ्रॉड आया है, एक और बड़े नुसरबाज सामने आ गए हैं। ये वो लोग हैं कि जो आपकी रकम डबल से भी, एक तो डबल शाह की वजह से मशहूर हुआ था, रकम डबल करके देता था, लेकिन ये मौसूफ़ ये जो वेबसाइट आई है ये डबल से भी ज़्यादा आपको पैसे करके देते हैं और 35 दिन का टाइम पीरियड बताते हैं। अब 35 दिन में आपके 1 लाख के ऊपर वो आपको 5 लाख रिफ़ंड करते हैं। कौन सा ऐसा बिज़नेस है? इस हवाले से इस कंपनी के मालिक से मेरी बात हुई, उन्होंने कुछ मुझे असलियत भी बताई, लेकिन जब मैंने उनको बताया मुझे आपका मौकफ़ चाहिए तो उन्होंने मुझे ग्रुप से भी रिमूव कर दिया, वो व्हाट्सएप की जो चैट थी वो सारी डिलीट कर दी। उसके बाद मैंने इनको एक मैसेज किया कि जनाब मुझे आपका मौकफ़ दरकार है, आप अगर मौकफ़ देंगे तो हम प्रोग्राम में मनवान चलाएंगे। अच्छा, इस कंपनी का नाम है ओशन हब इन्वेस्टमेंट, ये भी रिसेंटली लॉन्च हुई है, ये आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। अब इस कंपनी के मालकान जो हैं, क्योंकि एफबीआर का जो ये बताते हैं लेटर उसके ऊपर मतियुल्ला का नाम लिखा हुआ है, फिर एफबीआर का जो इनका लेटर है उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो G10 का लिखा हुआ है स्वां रोड का, लेकिन G10 स्वां रोड तो इतना लंबा है कि G10-1 में आप स्ट्रीट भी लिख रहे हैं और वहाँ पे तो ऑफिस है ही नहीं, वहाँ पे तो टोटली घर हैं। रेजिडेंशियल एरिया में अगर आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो भी गैर कानूनी है। इसके ऊपर CDA से भी हम बात करेंगे, इसके ऊपर FBR से भी बात करेंगे, इसके ऊपर हम जो SECP है उनसे भी बात करेंगे कि ये कौन सी ऐसी कंपनी है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में बैठ के ये लोगों को चूना लगा रहे हैं, और चूना भी थोड़ा बहुत नहीं लगा रहे, सुथरा चूना लगाया जा रहा है। क्योंकि आपको मालूम है कि राजा रियाज का वो वॉइस नोट हमेशा याद रखा जाएगा कि कोई भी कंपनी, कोई भी वेबसाइट आती है तो पहले वो इदारों को ख़रीदती है। अब इस कंपनी के मालिक से जो गुफ्तगू हुई मेरी, वो मैं आपको अगले प्रोग्राम में सुनाऊँगा, और आप ख़ुद सुनिएगा कि जब मैंने सवाल जो किया था उसका मुझे जवाब क्या मिला। क्योंकि ये जो कंपनी के मालिक हैं ये अपने आप को सैयद एहसानुल्लाह बताते हैं गालिबन, लेकिन इस कंपनी का मालिक कौन है? सैयद एहसानुल्लाह जिनका व्हाट्सएप नंबर दिया है इनको खुद भी मालूम नहीं है, या तो ये खुद मालिक हैं या ये 3 नुसरबाज हैं वो मिलके ये फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा, इस कंपनी के प्लान को डिस्कस करते हैं नाज़रीन। ये बहुत ही अहम चीज़ है कि ऐसा बिज़नेस कोई भी नहीं है कि जो आपकी रकम 35 दिन में डबल से ट्रिपल करके वापस करें। ये आप स्क्रीन पे प्लान देख सकते हैं कि ये मौसूफ फरमा रहे हैं, इनका जो प्लान है बेसिक इन्वेस्टमेंट प्लान कि 10,000 पे आप लगाएं तो आपको टोटल जो अर्निंग होगी 22,750 रुपये, और जो इसकी वैलिडिटी है वो 35 दिन है। अब नाज़रीन यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरह मैंने कहा था डबल शाह से भी बड़े नौसरबाज हैं कि 10,000 लगाएँ, अगर डबल करके देते हैं तो 20,000 बनते हैं, लेकिन ये जो वेबसाइट है ओशन हब इन्वेस्टमेंट ये आपको 22,750 रुपये वापस करते हैं। फिर नीचे देखें कि स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट प्लान है 25,000 रुपये लगाएं आपको 84,000 रुपये मिलेगा, और इसकी भी वैलिडिटी जो है वो 35 दिन रखी गई है। फिर गोल्ड का इन्वेस्टमेंट प्लान है 50,000 लगाएं 1,68,000 रुपया 35 दिन में कमाएं, कि यानी कि 50,000 लगाएं तो डबल नहीं आपको ट्रिपल से भी ज़्यादा पैसे वापस करते हैं। फिर प्लाटीनियम है इनका कि 1,00,000 रुपये लगाएं 3,36,000 रुपया, फिर 2,50,000 रुपया डायमंड है 2,50,000 रुपये लगाएं 8,40,000 रुपया 35 दिनों में 30 दिनों में। ये अब जो डायमंड का इन्वेस्टमेंट प्लान है ये 30 दिनों का है। फिर डायमंड प्लस है कि 5,00,000 रुपये लगाएं 16,80,000 रुपया आप कमाएं 35 दिनों में। अब डायमंड प्लस 35 दिनों का है, डायमंड जो है वो 30 दिनों का है, बाकी तमाम प्लाटीनियम हो गए, गोल्ड हो गया, बेसिक हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, ये आपका 35 दिनों का है। अब यहाँ पे इन लोगों ने किया क्या है, आप इनकी वेबसाइट पे ये कमेंट्स भी आप देख रहे होंगे, और एक मैं आपको सिर्फ कमेंट्स ये जो चला रहा हूँ इसमें देखें कि इन्होंने कंपनी के मालिक का नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कंपनी के मालिक कौन है, इनका जो FBR का लेटर है उसके ऊपर मतियुल्ला लिखा हुआ है, और यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर इन लोगों ने जो लिखा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। कि ये एक जो कमेंट करने वाला तला उबैद है ये फरमा रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट अर्निंग प्लेटफॉर्म ओशन हब इन्वेस्टमेंट, CEO मलक फरजानुल्ला इज वेरी नाइस पर्सन, आई बाई इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ 3,00,000 एंड गेट विदड्रॉ डेली, थैंक्स फॉर CEO ओशन हब इन्वेस्टमेंट। अब ये आपको आज पहला ये बताया है कि मलक जो फरजानुल्ला है ये इसके मालिक है, जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई वो सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अपना नाम मुझे सैयद कुछ बताया था। फिर एक और तीसरा मालिक है मतियुल्ला। अब यहाँ पर सवाल ये है कि कौन सा ऐसा बिज़नेस है 10,000 रुपये लगाएं 22,000 कमाएं
और इसके अलावा आप जितने ऊपर चलते जाएंगे कि आप 1,00,000 रुपये लगाएं, 3,68,000 रुपये आपको वापस देंगे, टोटली स्कैम है। कल इसके मालिक से जो मेरी गुफ्तगू हुई, जिन्होंने मुझे वॉइस नोट्स किए, बाद में वो वॉइस नोट्स उन्होंने डिलीट कर दिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि स्मार्टफोन है उसमें आप रिकवरी एक ऑप्शन होती है, तो आपके जितने डेल जो मैसेजेस होते हैं वो वापस रिकवर हो जाते हैं, वो गुफ्तगू भी आपको सुनाएंगे। तो खुदा रहा, ये जो ओशन हब इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आए हैं, ये नुसरबाज हैं, इन्होंने आपको दोनों हाथों से लूटना है। और सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि शहर इक्तदार में बैठ के, पाकिस्तान के कैपिटल में बैठ के ये लोग नुसरबाजी कर रहे हैं। FIA के हेड ऑफिस भी यहाँ पे है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हेड ऑफिस भी यहाँ पे है, FBR का हेड ऑफिस भी यहाँ पे है, और इन्होंने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी है। कल इसके ऊपर मजीद रोशनी डालेंगे, ओशन हब इन्वेस्टमेंट के मालकान अपना मौकफ देंगे तो उसको भी चलाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।